Effective capacitance of parallel combination of two capacitors C1 and C2 is 10 microfarad. Now two capacitors C1 C2 both are in parallel to each other. ऐसे दिया है, ये है C1 and ये है C2. तो हमें पता है कि C1 and plus C2 equivalent कितना दिया है, 10 microfarad. When these capacitors are individually connected to voltage source of 1 volt, the energy stored in C2 is 4 times that of C1. तो जब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, C1 को कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के अक्रॉस जिसका वोल्टेज है 1 वोल्ट, एंड जब C2 को हम लोग इंडिविजुअली कनेक्ट करेंगे बैटरी के अक्रॉस जिसका वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर कितना आएगा, U1 इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वेयर, मतलब ये आ जाएगा C1/2, एंड ये इसका एनर्जी कितना होगा, हाफ CV स्क्वेयर C2 V का स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा C2/2 U2. उसने बोला है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 2 दैट इज U2 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1. तो U2 कितना है, C2/2 है, 4 टाइम्स U1 कितना, C1/2 है, 2 कैंसिल हो गया, तो C2 इज 4 टाइम्स ऑफ C1 है. यहाँ से ये तो पता चला, राइट. अभी इसको यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, C1 प्लस 4C1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरड. तो ये आएगा 5C1, मतलब C1 का वैल्यू क्या आएगा, 2 माइक्रोफेरड. तो C1 का वैल्यू मिला. सिमिलरली C2 क्या है, C2 इज 4 टाइम्स ऑफ C1 है, मतलब ये क्या आ जाएगा, 8 माइक्रोफेरड. तो C2 का वैल्यू है 8 माइक्रोफेरड. ये आ गया C2 का वैल्यू. अभी आगे बढ़ते हैं. इफ़ दिस कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल बी. तो अभी ये जो दो कैपेसिटेंस है हम लोगों ने, ये C1 है ये C2 है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो ये क्या आएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2. तो ये आएगा 2 × 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8, ये आ जाएगा 16 / 10, मतलब 1.6 माइक्रोफेरड. तो 1.6 माइक्रोफेरड कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन.